एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। और एक वैकेंसी क्या अप्रैल मंथ में आने वाला है, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल मंथ तक वैकेंसी आने के चांसेस तो है, क्योंकि हर 4 इयर्स में वैकेंसी आया है। और एक कोइंसिडेंस है कि हर 4 इयर्स में जो वैकेंसी आया है वो आपका फरवरी टू मार्च या अप्रैल के बीच में ही आया है। तो 2018 वाला वैकेंसी जो आया था वो आपका फरवरी के मंथ में आया था। तो आप लोग इस न्यूज़ को समझे कि अगर सारे जगह वायरल हो रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल के पहले तक वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो इसी के ऊपर अभी और भी आपको टिप्स दूंगा कि इसका कैरियर ग्रोथ क्या है और इसमें कितना सैलरी मिलेगा आपको और कैसे कैसे तैयारी करना है और क्या क्राइटेरिया है इसका सिलेक्शन पूरा एलपी तक क्या क्या, ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले जब वैकेंसी आएगा तो उसमें पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में लिख दिया रहेगा कि आपको एक CBT 1 के लिए आपको कोई एक बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। कोई भी बोर्ड से आप फॉर्म भर सकते हैं। उस समय आपको कोई बोर्ड वोड पर्टिकुलर उस बोर्ड में आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सिर्फ CBT 2 के लिए क्वालिफाई नेचर का होगा। CBT 1 एग्ज़ाम तभी आप क्वालिफाई करेंगे, तभी जाके आपको CBT 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे LP या टेक्नीशियन का, CBT 1 में आपको सिर्फ कोई भी बोर्ड से आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जब आप CBT 1 का आपका जब रिज़ल्ट हो जाएगा तो आपको फिर से एक पर्टिकुलर RRB, जैसे 21 RRB बोर्ड है तो उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर RRB बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और आपका जो मेरिट बनेगा वो CBT 2 में आपके जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो CBT 2 एग्ज़ाम जो रहेगा वही आपका फाइनल समझिए, आपका इसी से सिलेक्शन होगा। और जिसमें पार्ट ए पार्ट बी सेक्शन रहेगा, तो पार्ट ए में आपका जनरल साइंस है सब सारे रहेंगे, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब। और पार्ट बी में आपका टेक्निकल सेक्शन रहेगा जो कि थोड़ा टफ है, अगर जिसका नॉलेज अच्छा है टेक्निकल उन लोगों के लिए इजी है, और जिसका नहीं है टेक्निकल सेक्शन उन लोगों के लिए टफ है, क्योंकि इसमें आपको 32% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद भी आपको नंबर उसमें देखा जाएगा कि आप क्वालिफाइंग नेचर से ऊपर आपका नंबर है कि नहीं। तो ये सब आपका क्राइटेरिया रहेगा मेनली। और जब आप CBT 2 एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपका, जैसे कि आप CBT 2 एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं तो आपका अगर LP में सिलेक्शन आपको लेना है तो इसके लिए आपका एक विजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा साइको एग्ज़ाम के लिए। तो साइको एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको वो विजन सर्टिफिकेट शो करना होगा और आपका I6x6 रहना ज़रूरी है। अगर आपका I6x6 नहीं रहेगा तो आपको वहीं पर बाहर कर दिया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर LP का आप तैयारी कर रहे हैं और आपको LP ही बनना है तो आप अपना आई विज़न अभी से चेक करवा लीजिए, जो कि 6x6 विज़न मस्ट है, क्योंकि LP का मेनली काम आगे सिग्नल देखना रहता है। तो अगर आपका आई सही नहीं है तो आपको सिलेक्शन मेडिकल में बाहर कर देगा। और आपको सबसे पहली बात तो आपको साइको एग्ज़ाम देने ही नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ कर ही तैयारी करें। और अगर 6x9 विज़न या उससे नीचे भी रहता है B1 कैटेगरी का तो आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस बात से घबराइए मत। और अगर आपका I6x6 नहीं भी है तो आप सिलेक्शन ले लेंगे टेक्नीशियन। करते हैं कि आपका जब साइको एग्ज़ाम भी हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जैसे साइको एग्ज़ाम होने के बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आना चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल होगा आपका। तो और एक बात और बताना चाहूँगा, जो CBT 2 में आपका रिजल्ट दिया जाएगा और वो आपका 10 times दिया जाएगा, और CBT 1 में रिजल्ट 20 times दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप तैयारी आपको कैसे करना है। तो तैयारी देखिए, जब आपका वैकेंसी जैसे सपोज़ अप्रैल के पहले तक अगर आ जाता है, मैक्सिमम चांसेस है कि आ जाएगा, एक्सपेक्टेड अप्रैल तक सब वायरल चल रहा है न्यूज़, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि आपका CBT 1 को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि CBT 1 में जैसे आपका मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छे से कर लीजिए। अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका CBT 2 में भी मैथ और रीजनिंग अगर आप अभी कर लेंगे अच्छे से तो CBT 2 में आपका टाइम बचेगा।
और उसके बाद आपका जनरल साइंस अच्छे से कर लीजिए CBT 1 में, थर्ड नंबर पे जनरल साइंस को रखिए, उसके बाद आप करंट अफेयर रखिए, फिर करंट अफेयर के बाद जनरल नॉलेज रखिए, ये सारा CBT 1 का आप इसको सब्जेक्ट को सारे लेकर के चलिए अभी फ़िलहाल। उसके बाद आपका जैसे ही ख़त्म होता है तो CBT 2 को सबसे पहले आप टेक्निकल सेक्शन को पकड़िए, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन में बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए इस सेक्शन को आप अच्छे कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या एक काम करिए, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़िए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक साइंस को पढ़ लीजिए पूरा क्योंकि इसका थोड़ा टोटली डिफरेंट रहेगा। आपका प्लस टू से कुछ कुछ टॉपिक को भी उठाया गया है इसमें बेसिक साइंस में CBT 2 के लिए, तो आप लोग इसमें फोकस करिएगा। उसके बाद बचा मैथ और रीजनिंग, तो आपका CBT 1 में कवर हो ही गया है, तो CBT 2 में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसमें टाइम बचेगा। उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन करिए CBT 2 के लिए, आपका इजली हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको जो अभी मैंने बताया, ऐसे आप कर सकते हैं तैयारी। और अगर आपका ये CBT 1 CBT 2 डिस्कस कर दिया, उसके बाद आपका साइको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साइको एग्ज़ाम होने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर मेरिट बनने के बाद आपका DB के लिए बुलाया जाएगा, DB बुलाने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मतलब सलेक्शन हो जाएगा एज ए LP। तो आप मेडिकल में आपका सारा कुछ मतलब अच्छे से चेक किया जाएगा, पूरा A1 सर मेडिकल कैटेगरी का मतलब सारा टेस्ट लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना जो भी OBC ST SC से बिलोंग्स करते हैं वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आपका जिस भी कैटेगरी से सलेक्शन होगा वो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप शो नहीं कर पाएंगे और आपका जनरल कटअप भी पार नहीं करेगा तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपना अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। इम्पोर्टेंट टॉपिक की सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो सैलरी आपका मतलब आपको इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में, हम लोगों के समय तो आपका DA कम था तो अभी बढ़ चुका है, तो आपको 27,000 to 28,000 देखने को मिलेगा इनिशियल सैलरी, आपको इतना मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, और इसको सैलरी नहीं स्टाइपेंड बोला जाता है। और उसके बाद आप जब मतलब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, और ट्रेनिंग आपका ड्यूरेशन 3 महीने के रहेंगे, हाँ, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक शिप ट्रेनिंग करवा जाएगा तो आपका हार्डली 2 to 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आपका मतलब डिवीज़न में आप अलॉट हो जाएंगे, कौन से डिवीज़न में आपका किस लॉबी में पोस्टिंग होगा, वहाँ पे लॉबी में पहुँचने के बाद आपको LR लर्निंग रूट दिया जाएगा, और लर्निंग रूट आपका जहाँ जहाँ आपको गाड़ी लेकर जाना उसका प्रॉपर लर्निंग मतलब आपको LR करना होगा, और कहाँ कहाँ सिग्नल कौन कौन सा लगा है। उसके बाद आपको एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा CLI के अंडर, उसके बाद वो पास उसमें हो जाएंगे तो आपको फाइनल एज एन इंडिपेंडेंट ड्यूटी आपको कराया जाएगा एज एन LP। आप समझिए कि फाइनल आप LP एज एन LP काम करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका मतलब समझिए एग्ज़ाम से लेकर के मैं आपका LP बनने तक का सारा कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।